ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना जंग को जिस प्रकार राजस्थान प्रदेशवासियों ने मिलकर लड़ा है वो एक मिसाल बन गया देश के अंदर। पूरे मुल्क में राजस्थान की चर्चा हो रही है क्योंकि जो बीरवाड़ा मॉडल बना वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया था, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वहाँ के अधिकारियों ने खुद ने कहना शुरू किया कि बीरवाड़ा में जो कंटेनमेंट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया टाइम पर और हर घर का सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई हर व्यक्ति की, 14,000 लोग आए स्क्रीनिंग के अंदर, सिम्टम दिखे कुछ खांसी जुकाम के, इलाज शुरू हो गया और कंटेनमेंट के अलावा जो क्वारंटाइन किया गया होम क्वारंटाइन बड़े रूप में किया गया, संस्थागत क्वारंटाइन किया गया, तमाम तरीके ऐसा मैनेजमेंट हुआ जिसकी तारीफ सभी हुई, वो मॉडल बन गया पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कुछ नहीं था, टेस्टिंग के लिए भी पूना दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज करीब लगभग 50,000 के लगभग हम पहुँचने वाले हैं पर डे टेस्टिंग के लिए। हमने बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों को जो हमारे पड़ोस के अंदर है उन सबको हमने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टरों को कि अगर आपको आवश्यकता हो तो राजस्थान यहाँ पर 5,000 टेस्ट हम फ्री करेंगे, 5,000 टेस्ट हम करने तैयार है पर डे। इस प्रकार से हम लोगों ने राजस्थान मैनेजमेंट किया और उसके कारण से बहुत कंट्रोल में रहा। अभी जो संख्या बढ़ रही है वो एक बात इसलिए कि हमने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी अप्रोच है टेस्ट करो ही नहीं, टेस्ट कम करते हैं वो लोग तो संख्या कम आएगी पॉजिटिव। हमने कहा एक एक व्यक्ति तक पहुँचो जहाँ आशंका है कि यहाँ कोरोना हो सकता है, जिससे कि वहीं वो रुक जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, मालूम पड़ेगा ये पॉजिटिव है पर सिम्टम नहीं है। अगर लापरवाही हमने कर दी जो सिम्टम दिखता नहीं है और हमने टेस्ट नहीं किया तो वो जितनी जगह फैलेगा उतने लोगों में फैला देगा कोरोना, और हो सकता है इम्यूनिटी किसी की कम होती है किसी ज़्यादा होती है, तो जब ज़्यादा इम्यूनिटी वाला तो बढ़ गया है, कम इम्यूनिटी वाले हो सकते हैं कि सिम्टम आ जाए और उसकी डेथ भी हो सकती है। बचाव के लिए हमने जानबूझ करके बहुत ही बड़े रूप में हमने टेस्ट शुरू किए, करीब मेरे ख्याल 32,000 टेस्ट पर डे होने लग गए। तो इस प्रकार की हमारी अप्रोच है, तो संख्या बढ़ रही है तो मृत्यु दर बहुत कम है राजस्थान के अंदर, अभी जुलाई में तो 1% कम हो गई थी, तो हम लोग मृत्यु दर में बहुत आगे हैं, बहुत कम मृत्यु हो रही है, हम लोग रिकवरी में बहुत शानदार रेट हमारी 70-80 85% पहुँच गई, रिकवरी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, 1 मिलियन पर कितने टेस्ट होने चाहिए उसमें हम लोग बहुत आगे हैं, हर पैरामीटर में आगे हैं। और मुझे यकीन है कि जो अधिकारियों का, जो कर्मचारियों का, जो पुलिस प्रशासन का जो मैनेजमेंट रहा यहाँ पर, जो जनप्रतिनिधि थे चाहे वो गांव का वार्ड प्रिंस था चाहे सरपंच था, MLA थे, MP थे या जो लोग भी थे, वो पूरे सेव रहा उनका, हमने पक्ष विपक्ष सबको बुला के बात करी राजस्थान के अंदर, शुरुआत इन्हीं से करी कि हम लोग इसमें राजनीति नहीं हो, कभी कभी उनकी टिप्पणी आती रहती है हम उनकी परवाह इसलिए नहीं करते हैं, हम सबको मिलकर के कोरोना जंग को हराना है, हम जीतें कोरोना हारे ये हमारा सोच है, इस रूप में हम लोग सब मिलकर करना चाहते हैं। धर्मगुरुओं को बुलाया, बहुत सहयोग दिया उन्होंने, मंदिर और मस्जिद और जितने गुरुद्वारे थे सब ने सहयोग दिया, एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया वो आर भी सहयोग दे रहे हैं हम लोगों को, एक्टिविस्ट को बुलाया जो बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, तो चारों ओर से जो माहौल बना उसमें आप देख लीजिए कि गांव तक चाहे वो ग्राम सेवक हो चाहे वो पटवारी हो, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, साथी हो, पुलिस के कांस्टेबल हो, सब ने आपस में एक दूसरे से सहयोग किया, और MLA ने अपने अपने फ्रंट से भी भोजन सामग्री की व्यवस्था करी, दानदाताओं ने बमासा ने कमी नहीं रखी, संस्थाएँ खुद आगे आई, जोधपुर तो एक उदाहरण है उसके लिए, जोधपुर अपने आप उदाहरण है। तो बढ़ चढ़ करके हर जिले के अंदर ये काम सब हुए, हमें संतोष है कि राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में हम लोग अग्रणी रहे। और मैंने कहा आपको कि आज हम 50,000 के आसपास प्रतिदिन
टेस्ट करने की कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए पहुंच गए हैं कि हमारे वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आईसीयू बेड पूरे सफिशेंट है, क्वारंटाइन की व्यवस्था हमने पहले से 1,00,000 बेड कर रखी थी शुरू से ही। तो ये तमाम काम जो है, और प्लाज्मा 40,000 प्लाज्मा 40,000 वाले इंजेक्शन हो गए पूरे, दे रहे हैं नहीं 40,000 वाले इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन जो मंत्री जी बता रहे हैं 40,000 तक इंजेक्शन आए नए नए, हमने कहा उनको फ्री दो गवर्नमेंट तरफ से। प्लाज्मा थेरेपी शानदार चालू हो गई जोधपुर के अंदर भी, जयपुर में भी और जगह होने जा रही है। हमने स्वास्थ्य मित्र बना दिए 80,000 राजस्थान के, 80,000 स्वास्थ्य मित्र बने हैं, उनको अलग काम सौंप रहे हैं। गाँव में कोई बीमार हो वो रिपोर्ट करे, कोऑर्डिनेट करे अस्पताल CHC PHC और गांव के बीच में, और 6 महीने तक खबर आए और सरकार से खबर आएगी तो इलाज टाइम पे शुरू हो जाएगा जिससे कि कोरोना फैले नहीं आगे। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था राजस्थान के अंदर, बहुत ही कामयाब रहा, आप मीडिया वालों को बहुत सहयोग रहा उसके अंदर भी। अवेयरनेस ही ये बचाव का रास्ता है क्योंकि कोरोना का क्या मिजाज होगा कोई नहीं जानता है, आने वाले 4 महीने 6 महीने कितने लगेगा कोई नहीं जानता है। हमने कहा जीवन बचाना हमें टॉप प्रायोरिटी हमारी वो है, और साथ में आजीविका बचानी है क्योंकि दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, जब सब पूरा आर्थिक गतिविधि बंद हो गई तो आप सोच सकते हो कि सरकार की रेवेन्यू कहाँ से आएगी। और जो लोग तकलीफ में आ गए, दुकानें बंद कर गए, लॉकडाउन हो गया, सब घरों में बैठे रहे, तो दुकान कोई भी हो भरे उनकी इनकम कहाँ से हुई। तो हमने काफ़ी पैसा जो है, पहले 2,500 रुपये दिए हम लोगों ने, अभी 1,000 रुपये और हमने उनके खाते में डाले हैं, करीब 3,500 रुपये हमने गरीबों के खाते में डाले हैं, करीब 30-35 लाख लोग वो है जो फ्री दिया गया, दालें फ्री दी गई। और भारत सरकार कुछ नाम सोते हैं तो गेहूँ उससे ज़्यादा मिलता नहीं, तो हमने 23 रुपये प्रति किलो गेहूँ बाजार मार्केट से खरीद करके बांटा लोगों को, जिससे कि लोग कम्फर्टेबल महसूस करें। और राजस्थान मैंने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता ये महसूस किया कि सरकार हमारे साथ में खड़ी है। इस रूप में हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज मीटिंग रिव्यू इसी को आती थी कि जोधपुर में काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमने चर्चाएँ करी है कि आप क्लस्टर में जहाँ जहाँ कोई पॉजिटिव आ रहा है पूरी ट्रैकिंग करें और सुनिश्चित करें कि आने वाले वक्त में कोरोना का रुकाव कैसे संभव हो पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में और जोधपुर के अंदर। निजी अस्पतालों में भी कोरोना उपचार का आदेश जारी किया है, जारी किया हुआ है, जारी किया हुआ, उनकी रेट फिक्स की जा रही है, कर दी रेट फिक्स कर दी है, और उनको मना करने का कोई हक नहीं है। पहले वो कहते थे कि आप रिपोर्ट लेके आओ कि कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फिर हम भर्ती करेंगे। ये हमने कहा ये तरीका गलत है, जो मरीज आपके आ जाए उसका इलाज आपको शुरू करना चाहिए, ये कह दिया। सर लोकतंत्र जीत की ओर अग्रसर है, राजस्थान में लोकतंत्र जीत की ओर अग्रसर है। लोकतंत्र सेव डेमोक्रेसी ये अभियान हमारा है पूरे राजस्थान में, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान हमारी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे मुल्क में, आपने कहा राजभवनों के बाहर धरने हुए हैं पहली बार, जिलों में धरने हुए हैं, लोकतंत्र बचाओ आज सबसे बड़ा संकट देश के नाम है, चुनौती के रूप में वही है। हम लगे हुए राजस्थान के अंदर भी हम लोग कामयाब हो रहे हैं, हमारी हम समझता हूँ कि एक मैसेज राजस्थान से गया है पूरे देश के अंदर कि लोकतंत्र बचाने में राजस्थान की जनता ने साथ दिया, अभी वो तारीफ़ काबिल है। मेरे ख्याल पूरे प्रदेशवासियों ने एकजुट होकर के जो सरकार के साथ खड़े मिले हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उनको सलाम भी करता हूँ, अदब के साथ में उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि प्रदेशवासी समझ गए चुनी सरकारों को अगर आप गिराने का प्रयास करोगे, षड्यंत्र करोगे, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उसको किसी कीमत पर, ये प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पाकिस्तान भी तो हमने कह दिया है कि हम तय जाना चाहते हैं सच्चाई के, इंक्वायरी वो चाहेंगे तो बदलेंगे, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इतनी बड़ी घटना होना बड़े दर्दनाक है, 11 लोग एक परिवार के चले जाए दुनिया से, कितना तो बड़ा हादसा हुआ होगा अपन कल्पना कर सकते हैं, हृदय विदारक है, पूरा प्रदेश पूरा देश जो सुनता है वो दुखी हो जाता है। तो इसीलिए मैं उनके बीच में गया, उनको लगे कि सरकार आपके साथ में खड़ी है,
और क्यों घटना हुई, कैसे हुई, कारण क्या थे, जिसे भविष्य में ऐसी कोई बात होनी कल्पना कोई नहीं कर सके। इसमें पुलिस पर भी आरोप है कि उन्होंने प्रताड़ित किया था इस परिवार को, ऐसी कोई शिकायत वहाँ नहीं मिली हमें। और मैंने उनको कह दिया जो आपको विश्वास होगा वो काम हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी घटना में मानता हूँ और उसको उसी रूप में हम लड़ लेंगे। जीत तो हो गई मगर बगावत करने वालों की तेवर। नमस्कार, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।